जी अस्सलामुअलैकुम। बिटकॉइन के ऊपर एनालिसिस करते हैं। काफ़ी ज़्यादा क्यूरीज थी और बहरहाल मैं तो एग्जिट कर गया था, लेकिन अब देखते हैं कहाँ स्टैंड करता है। और बेस्ड ऑन हिस्ट्री और इसकी जो 2 दफ़ा क्रैश हुआ था बिटकॉइन, उसके ऊपर बात करते हैं। 2 दफ़ा ये क्रैश हुआ है। एक तो 2013 में क्रैश हुआ था जब ये 1150 डॉलर्स का था, और उसके बाद वहाँ से ड्रॉप होके 152 तक आया था। अच्छा, ये जो क्रैश था ये लास्ट किया 13 मंथ्स, मतलब जो बेयरिश मार्केट थी वो आपकी 13 महीने तक जाके उसने बॉटम लगाया, ठीक है। अच्छा, अब ये 1153 का जो रिकवरी रेट था ये वापस कब आया? ये वापस आया 38 मंथ्स के बाद, मतलब 3 साल के बाद। सो जो लोग अभी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो 65,000 से बिटकॉइन क्रैश हुआ है, 2 महीने 3 महीने में वापस आ जाएगा, तो बेस्ड ऑन ट्रैक रिकॉर्ड और हिस्ट्री इट सीम्स डिफिकल्ट। सो यहाँ से ये पहले पहला क्रैश था आपका 2013 में, 2017 में जाके रिकवर हुआ, और उसके बाद फिर ये इसने नए हाइज लगाना शुरू किए। फिर ये आपका जो दूसरा क्रैश हुआ है 19,000 या 20,000 के पास जब था, दिसंबर 2017 में ये क्रैश हुआ, इसने टॉप लगाया था और उधर से वहाँ से ड्रॉप होता हुआ 12 महीने के अंदर ये 3,000 डॉलर पे आया था। तो अगेन ये बेयरिश साइकिल जो थी इसकी वो लास्ट की 12 महीने, ठीक है। और जब दोबारा गया 19,000 या 20,000, जो लोग इधर ट्रैप हुए थे और उस टाइम इमोशंस और हाइप पे यही कंसीडर किया जा रहा था कि बिटकॉइन दोबारा ऊपर आ जाएगा, लेकिन वो कब आया और कितने अरसे के बाद आया फिर से देख लेते हैं। फिर आया 37 मंथ्स के बाद, और ये इसने रिकवर किया नवंबर 2020 में। दो साइकिल्स पे क्रैश हुई है 2 दफ़ा। इसको अगर मैं एक्सेल शीट पे लेके जाऊँ और देख लेते हैं, 2013 में 1163 का हाई लगा, 12 जून 2015 में 152 का लो लगा। हाई टू लो की जो साइकिल थी वो 13 मंथ्स की थी, ठीक है, पहले क्रैश में। दूसरे क्रैश में 19,666 से 31,022 डॉलर्स तक आया, और ये वाली जो साइकिल थी 12 मंथ्स तक लास्ट की थी। सो बेयर मार्केट पिछले दो क्रैश में एक दफा 13 महीने स्टैंड की, एक दफा 12 महीने की, ठीक है। अच्छा, और रिकवरी जो साइकिल थी, मतलब जो लोग ट्रैप हो गए थे उस बुल रन में, उनको एग्जिट करने का कब मौका मिला? 3 साल के बाद तकरीबन, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स दोनों दफा कॉमन है। तीसरी दफा कॉमन क्या है? अगर आप 1163 से हाई इसका लगा और 1 साल के बाद इसका लो लगा 152 का, यहाँ पे जो करेक्शन की परसेंटेज थी वो 86% थी, और दूसरे वाले क्रैश में 84% थी, ठीक है। अभी तो ये ड्रॉप हुआ है 65,000 से, राइट नाउ 35,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अभी क्या बेस्ड ऑन दिस एनालिसिस, ठीक है, जो इसकी ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा है 2 दफा क्रैश होने के बाद ये कहाँ तक ड्रॉप होता है, 80% अगर ये ड्रॉप होगा तो ये 12,500 से लेके 13,000 तक इसकी प्राइस को अज्यूम किया जा सकता है कि ये प्रोजेक्शंस इसकी वहां पे जाके बनती है। अच्छा, अभी टॉप लगे हुए कितना अर्सा हुआ है? 65,000, ये मैं रिमाइंड करा दूं, यहाँ पे मैंने एग्जिट कॉल दे दी थी वक्त से पहले, ठीक है। मतलब ये जब 65 होने वाला था मैंने कहा था कि यहाँ पे एग्जिट कर जाएं, प्रॉफिट टेकिंग करें, यहाँ से करेक्ट हो गई मार्केट और उसके बाद देखेंगे। बहरहाल वैसे ही हुआ था, और उसके बाद अभी अगर ये अप्रैल में टॉप लगा इसका, अभी क्या चल रहा है? मई चल रहा है, 1 महीना हुआ है। एक महीने के अंदर नहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते कि ये यहाँ पे बॉटम लगाएगा और उसके बाद यहाँ से दोबारा से वी शेप रिकवरी देगा, और आप अगले ही महीने या 2 महीने के बाद इन लेवल्स को जाके दोबारा से मीट करेंगे और आप सेफली एग्जिट ले सकते हैं। राइट नाउ यहाँ पे आप ट्रैप हुए हुए हैं, और जब भी ये बढ़ता है इसको बेचना चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे ये बता दूं कि ये जब कोई सी भी मार्केट हो, चाहे आप क्रिप्टो को ट्रेड कर रहे हो, स्टॉक्स को ट्रेड कर रहे हो, फॉरेक्स मार्केट को ट्रेड कर रहे हो, सब पैटर्न जो चार्ट्स होते हैं उन पे एक इसकी जो डायनेमिक्स होती है मार्केट की वो कैसे चलती है, वो मैं बता देता हूँ। मार्केट की जो बिहेवियर होता है ना, मार्केट का जो बिहेवियर होता वो तीन फेजेस में चलता है, ठीक है। एक एक्यूमुलेशन फेज होता है, दूसरा ट्रेंडिंग फेज होता है, तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है। एक्यूमुलेशन फेज कब होता है? ये जितना जब ये मरा हुआ था, बिल्कुल डेड था, जिस टाइम कोई नहीं इसके बारे में बात कर रहा था,
$3,000 पे, $4,000 पे रुल रहा था, तीन 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 साल तक दोनों साइकिल जिसकी रही हैं, कोई नहीं इसको पूछने वाला था। वहां पे टाइम होता है बाय करने का, और उसके बाद इस फेज को एक्यूमुलेशन कहते हैं। उसके बाद ये ट्रेंडिंग फेज में चलता है, और ये जो पिछले 2 महीने से या 3 महीने से यहाँ पे ट्रेड करा रहा था इस रीजन में, सो ये आपका हो गया डिस्ट्रीब्यूशन फेज। सो अभी तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज खत्म हुआ है, और अब आपका दोबारा से एक ट्रेंड चला है, लेकिन इस दफा का जो ट्रेंड है वो बेयरिश ट्रेंड है। ठीक है, इस बात को गौर कीजिएगा कि ये भी ट्रेंडिंग मार्केट है, लेकिन ये बेयरिश ट्रेंड है। ठीक है, ये वाला बुल रन था, बुलिश ट्रेंड थी। सो अभी तो आपका पहला फेज हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन का, फिर ट्रेंडिंग बेयरिश फेज, फिर कहीं जाके ये नीचे, यहाँ कहीं पे जाके नीचे कहीं पे एक्यूमुलेशन फेज बनाएगा। ठीक है, ये वो वाला फेज होगा जब आप लोग सारे फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे न्यूज में, मीडिया में। ठीक है, आप लोगों को नहीं सुनने को मिलेगा कि बिटकॉइन जो है बढ़ने वाला है, बल्कि बिटकॉइन की नेगेटिव न्यूज आना शुरू हो जाएगी, जो कि अभी शुरू हुई है, लेकिन वो बेरिश ट्रेंड में। सो जब ये बिल्कुल मरमरा जाएगा, ठीक है, उस टाइम देखेंगे एक्यूमुलेट फेस से निकलते हुए, जब ये वहां से बॉटम आउट कर रहा होगा, फिर बाय करने का टाइम आएगा। अब तीसरी बात, करना क्या है इस जगह पे? ठीक है, डरा दिया मैंने या बाकी लोगों ने, या अभी भी आप नहीं डरे तो आप एवरेज करना चाह रहे हैं, तो एवरेज पहली बात तो ये अभी बिल्कुल भी ना करें। कोशिश ये करें कि इस मार्केट से एग्जिट लें। ठीक है, एग्जिट किन लेवल्स पे लिया जा सकता है? अगर यहाँ कहीं से बाउंस आता है, और इस पहली जो रेजिस्टेंस आ रही है वो 42,000 के करीब है, यहाँ कहीं आपको इस मार्केट से निकलने का मौका मिलता है, यहाँ पे आप एग्जिट लें। ठीक है, अभी आपका बेयरिश ट्रेंड शुरू होगा या हो चुका है, सो ये उसकी कंटिन्यूशन चलेगी। इतनी जल्दी एक्सपेक्ट नहीं करें कि ये रिकवर करेगा 2 महीने में, 3 महीने में। 2 महीने 3 महीने की कहानी नहीं है, लंबी कहानी लगती है। अच्छा, तो ये बहरहाल उसके बाद जो दूसरी रेजिस्टेंस जोन है 46,500 और 47,500, यहाँ पे एक बेयरिश ट्रेंड लाइन ड्रॉ होती हुई बनती हुई नजर आ रही है। इसको मेच्योर होने दें, ये अगर ये कहीं बढ़ता है बिटकॉइन, इसको जाके टेस्ट करते हैं इस रेजिस्टेंस को, फिर ये दोबारा से ड्रॉप होगा नीचे। ठीक है, लोअर लोज और लोअर हाइज लगाएगा, फिर उसके बाद देखेंगे। और अगर ये ब्रेक करेगा तो फिर बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रेटेजी पे आ जाएंगे। अभी फिलहाल सेल और स्ट्रेंथ पे रहें, और मार्केट से एग्जिट करने की कोशिश करें। जब भी ये बढ़े, ये अपॉर्चुनिटी होगी मार्केट से निकलने की रिकवरी में, और एग्जिट लें। और फिलहाल क्रिप्टो को मेरे ख्याल में भूल जाना चाहिए जब तक इसे एक्यूमुलेशन फेज नहीं कम्प्लीट होता। अभी बेयरिश ट्रेंड है, अगर प्ले करना है मार्केट में तो सेल ऑन स्ट्रेंथ शॉर्ट सेलिंग करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।